हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश से गुमखाल और इस समय हम गट्टू गाड़ी में खड़े हैं। और ये ऊपर की रोड जो जा रही है नीलकंठ पहुंचती है और यहाँ से एक रोड कटती है गुमखाल के लिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 74 किलोमीटर अभी गुमखाल दिखा रहा है। तो हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है ये कि गुमखाल जाने का, जबकि हम देवप्रयाग के रास्ते से भी जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे कितना बेहतरीन ये रास्ता है, और इससे पहले भी गया हूँ मैं, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हट बने हुए हैं नदी के किनारे, जहाँ पर टूरिस्ट लोग अक्सर ठहरते हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्यारी जगह है ये। इस समय हम हैं यहाँ पर मोहन चट्टी के पास, इसके तुरंत बाद मोहन चट्टी यहाँ पर आता है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मोहन चट्टी में। मोहन चट्टी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी हरियाली है और एक सुंदर नदी है। नदी तट पर बहुत सारे यहाँ पर हट्स बने हुए हैं पर्यटकों के लिए, और यहाँ पर इसीलिए बड़ी मात्रा में भारतवर्ष के तमाम स्टेटों से हमारे पर्यटक आते हैं और विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। मोहन चट्टी की सबसे बड़ी जो खासियत है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक जंपिंग पॉइंट है। जंपिंग करने के लिए यहाँ पर स्पेशली पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं और भारतवर्ष के तमाम स्टेटों से और विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जंपिंग पॉइंट, जो कि काफ़ी हाइट पर है, और ये जंपिंग पॉइंट है यहाँ पर, और पर्यटक बड़ी मात्रा में यहाँ पर जंप करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जंपिंग करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कार्यालय से, और उसके बाद ही यहाँ पर हाई सिक्योरिटी में ही जंप करवाया जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। ये जंपिंग पॉइंट का कार्यालय है, पहले यहीं से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और अब निकलते हैं आगे, और अभी हमने यहाँ से गुमखाल तक जाना है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी तो हम मात्र यहाँ पर 10-12 किलोमीटर ही आए हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पर लगातार चढ़ाई पे चढ़ना है, क्योंकि अभी हमें बहुत हाइट पर चढ़ना है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि रोड की जो स्थिति है बहुत ही बेहतरीन है, जैसे आज से 1 साल पहले थी वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मस्त रोड है यहाँ पर, और मक्खन जैसी रोड बनी हुई है, बिल्कुल न्यू डामरीकरण हो रखा है यहाँ पर, तो बहुत ही बेहतरीन है। कि जैसे 1 साल पहले हमने यहाँ पर देखा था तो काफ़ी पत्थर और बिल्कुल डामरीकरण नहीं था यहाँ पर, तो आज की डेट में तो बहुत ही मस्त है यहाँ पर रोड। तो सिलोगी 33 किलोमीटर अभी काफ़ी दूर है और काफ़ी सुंदर व्यू हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जंगली जानवर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जंगली पक्षी भी दिखाई देंगे, मोर अन्य चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं बार बार, और सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक झरना है और ये गर्मियों में भी इसी तरह से रहता है, और जंगली जानवर काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको इस रूट पर दिखाई देंगे। और आज की डेट में तो रोड भी बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी तारीफ़ काबिल है। जंगल से काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें। तो चलो आगे निकलते हैं अगले स्टेशन की ओर। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस रोड पर यातायात के साधनों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर स्कूली बच्चे भी मैक्स की छत में चढ़ के स्कूल जा रहे हैं, और बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं जल्दी जाना है, और एक मजबूरी बन जाती है जब हमें यातायात के साधन नहीं मिलते, और सीमित साधन होने के कारण इस प्रकार के दृश्य कभी कभार दिखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या नया दिखने को मिलता है हमें।
और यहाँ पर रोड के पास हमें एक विद्यालय मिला है, ये इंटर कॉलेज है और गैंडखाल स्कूल है ये, तो काफ़ी सुंदर है, बाहर से भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर गेट यहाँ पर बना हुआ है और मार्केट भी यहाँ पर है, गैंडखाल मार्केट। तुम्हारा गांव नाम क्या था? क्या मंजू? ठीक ठीक है, ठीक ओके। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? गैंडखाल। वेरी गुड वेरी गुड, ओके बाय बाय। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का जीपीएस धारीखाल। अच्छा वेरी गुड। आपके गांव का नाम? धारी। कहां पर है धारी गांव? पास ही है। ठीक है ओके बाय बाय। हम अभी धारी खाल में हैं, यहाँ पर यहाँ पर कौन सा गांव है ये? देवीखाल। और आपके गांव का नाम क्या है? पाली। पाली। और स्कूल का नाम? स्कूल कहाँ पर है आपके? क्या नाम है इसका? क्या? कठूर बड़ा स्कूल है। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, क्या नाम है? अंकित। वेरी गुड। स्कूल का? राव मावे कठूरबड़ा। कठोर वाला वेरी गुड। गांव का नाम क्या है? पाली ढंग। वेरी गुड वेरी गुड ओके। और यहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे सौर पैनल लगे हुए हैं, जिससे आजकल यहां पर विद्युत ऊर्जा तैयार हो रही है और बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर सिलोगी मात्र अब 3 किलोमीटर रह गया है, तो हम बहुत ही जल्दी सिलोगी में होंगे। चलिए और हम सिलोगी में पहुंच चुके हैं और सिलोगी भी यहाँ पर एक बस सेवा होती है, बस सेवा यहाँ पर चलती है लगातार कोरवार से। इसके बाद आता है चैलुशहर मार्केट, उसके बाद आता है द्वारीखाल और फाइनली हम गुमखाल पहुंच ही जाएंगे। चैलुशहर मार्केट इस रूट का काफ़ी बड़ा मार्केट है, जहाँ पर लगभग सारा सामान मिल जाता है A to Z। काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, द्वारीखाल के एकदम पास में है, द्वारीखाल ब्लॉक के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में है और इसके बाद द्वारीखाल ब्लॉक यहाँ पर पड़ जाता है। द्वारीखाल एक छोटा सा मार्केट है। अभी तो हम चैलुशहर में हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद हमें द्वारीखाल मिल जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं द्वारीखाल मार्केट में। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस भी हैं, सरकारी कार्यालय हैं, यहाँ पर छोटा सा मार्केट है। ये द्वारीखाल है। ये मार्केट कीर्तिखाल नाम से है और यहाँ से एक रास्ता कटता है, एक मंदिर है ऊपर भैरवगढ़ी मंदिर, इसी मार्केट से वहाँ के लिए पैदल रास्ता है और बहुत सारे श्रद्धालु उस मंदिर में जाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुमखाल मार्केट में, जो कि NH हाईवे पर बसा हुआ है। यहाँ से 2 रूट करते हैं, एक कोला जाता है, एक सपली जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आज का सफर रहा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।